विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और सांसदों से विकसित भारत थीम को लेकर सुशासन और विकास पर फोकस करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों से कहा कि वो जनता को बताए कि भाजपा ने धारा 370 को हटाने और 3 तलाक का खात्मा करने जैसे वादों को पूरा किया है। आगे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के घमंडी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां इंडिया नाम को बदनाम करने वाले नेताओं ने सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दिया है, तो वही भाजपा ने सिर्फ देश में अर्थव्यवस्था की उज्जवल तस्वीर पेश करने का काम किया है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी शासन के दौरान की गई आर्थिक प्रगति के बारे में विस्तार से बताया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। और अगर बात करें युवाओं की बेरोजगारी की, तो आपको बता दें साल 2017 और 18 में युवा बेरोजगारी की दर जहां 17.8% थी, वही साल 2022 और 23 में गिरकर 10% रह गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत का सिलसिला जारी रखने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जिससे मोदी सरकार की नीतियों से मिली सुविधाओं और फायदों के प्रति जनता को जागरूक किया जा सके। बता दें वाराणसी में 17 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा शुरू होगा। इस दौरान पीएम विकसित भारत थीम के जरिए मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करीब 1,000 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए जनता को सौगाते देंगे। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।